राजधानी रांची में लगातार तीसरे दिन भी प्रशासन और निगम का बुलडोजर रीनू नदी से अतिक्रमण हटाने के लिए चलता रहा। शुक्रवार को इसके तहत शुक्ला गली और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस बल तैनात की गई। दो दिन तक लगातार न्यू बंधु नगर में छोटे और बड़े घरों को तोड़ने के बाद शुक्रवार को अतिक्रमण लिस्ट में कुछ बड़े घर और फ्लैट भी आए। इस फहरिस्त में शुक्ला गली के 3 मंजिला जानकी प्रसाद का राम लखन निवास और स्वागतम अपार्टमेंट भी शामिल रहा। जब प्रशासन की टीम मौके पर जेसीबी के साथ अतिक्रमण हटाने वहां पहुंची तो जानकी प्रसाद के परिवार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नक्शा दिखाते हुए उन्होंने घर नहीं तोड़ने देने की बात की। वहीं अरगोड़ा अंचल अधिकारी अरविंद कुमार ओझा ने घर के पीछे के हिस्से को अतिक्रमित भूमि पर बने होने की बात कही। ऐसे में जानकी प्रसाद ने खुद उस हिस्से को तोड़ने के लिए 2 दिन का समय मांगा, लेकिन सीओ ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि रास्ता इतना संकीर्ण था कि जेसीबी वहां घुस नहीं पाया। ऐसे में सीओ ने कहा कि वो छोटी जेसीबी लाकर इसे अगले 2 दिनों में तोड़ेंगे। ध्रुवा के पतरा टोली में भी यही नजारा देखने को मिला। प्रशासन और निगम ने 67 घरों को अवैध रूप में चिन्हित किया। शुक्रवार को जब नगरीय अंचल अधिकारी पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ यहां पहुंचे तो स्थानीय निवासी विरोध करने लगे। भारी संख्या में लोग हाथों में तख्ते और बैनर लेकर सड़कों पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और दिन का समय दिया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।